हाँ जी प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आप बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था, तो इसलिए मैं दोबारा से एक बार जितने भी क्वेश्चन असाइनमेंट भी दिए थे वो सारे तो मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी, और हो सकता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के थे वो भी मैं डाउट सारे सॉल्व कर दूंगा, तो जितना टाइम मैक्सिमम मिलेगा। और रही बात आपके जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डाउट सेशन है आज, और साथ के साथ मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से समझा दूँ। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि ये है मिस्टर राम, ये मिस्टर राम है, आप मुझे बताइए जो राम है, अगर इसने बिजनेस को स्टार्ट किया है, सपोज करो कि इसका ये बिजनेस है, आप अभी पार्टनरशिप मत सोचना, सपोज करो बिजनेस है, इसने इसमें पैसे लगाए होंगे, इसमें फंड लगाया होगा, इसने जो फंड इसने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, बताओ उसको क्या बोलेंगे, बताइए। जो फंड इन्वेस्ट किया होगा उसे हम बोलेंगे कैपिटल। मैटर ये करता है कि इसने बिजनेस को स्टार्ट या कैपिटल कब लगाया। हमारा ईयर कब से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, बताओ। ईयर हमारा 1/4 को स्टार्ट होता है, मान लेते हैं 2019, एंड होगा हमारा 31/3/2020, ठीक है, ये मान लिया मैंने। अब बिजनेस स्टार्ट करने की अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करेगा कि इसने बिजनेस को स्टार्ट कब किया है ना। अगर इसने बिजनेस स्टार्ट इस डेट पे किया है तो अगर ये इस कैपिटल पे इंटरेस्ट का डिमांड करे तो हम वो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इसको इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए। अगर इसने कैपिटल इस दिन लगाया है तो ये बिजनेस अगर कैपिटल इस दिन लगाया जाए तो यूज तो पूरे साल करेगा, ये पूरा साल यूज करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, क्योंकि इसने बिजनेस में पैसे लगाया और आपको पता है कि मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, तो मालिक ऑनर बोलता है, जो इसका प्रोपराइटर है, जो ऑनर है, वो बोलता है कि भाई बिजनेस मैंने आप में कैपिटल लगाया तो मुझे आपसे ब्याज मिलना चाहिए, बड़ा ही सिंपल वर्ड है। जब ये इससे ब्याज मांगेगा तो ब्याज मांगते टाइम पे समस्या ये आएगी कि ये ब्याज देने को तो तैयार है लेकिन कितने दिन का देगा। बिजनेस भी कहेगा कि मैं ब्याज दूंगा कब तक का, जितने दिन का मैंने पैसे का इस्तेमाल किया है कि नहीं। तो यहां पे देखा जाए, अगर 1 अप्रैल को है बिजनेस में, अगर 1 अप्रैल को पैसा लगाया है तो 1 अप्रैल से लेके यहां तक का ब्याज, तो पूरे साल का, फुल ईयर का रेट क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा 6%, नहीं लेना, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन होता है क्वेश्चन में जो गिवन होगा। सेकेंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि मान लो कि इसने बिजनेस के अंदर लगाया इस डेट पे पैसा है, तो यहां से लेके यहां तक का ब्याज, ठीक है ना, आप इस बात को समझो, जब बिजनेस में लगा दे। लेकिन एग्जामिनर चालाकी क्या करता है, आपको आपको इस दिन का कैपिटल नहीं देगा, आपको सीधा इस दिन का कैपिटल दे देगा, ठीक है। तो इस दिन के कैपिटल को, इस दिन का कैपिटल कैसे बनाया जाए वो एक फॉर्मेट से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे, या जिस दिन से, जितने दिन तक इसने पूरे साल में पैसे इस्तेमाल किए उस पे निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लो मैं 1 लाख रुपए यहां लगाता हूं, 5 लाख यहां लगाता हूं, तो भाई 5 लाख पे इतने दिन का ब्याज, 1 लाख पे पूरे साल का ब्याज। 2 लाख रुपए मैं यहां लगाता हूं तो भाई 2 लाख पे इतने दिन का ब्याज, सिंपल सी बात है, अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे। तो इसको करना कैसे सॉल्व है, ओपनिंग कैपिटल बनाने के लिए एक बेसिकली फॉर्मेट मैं बना देता हूं, वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए लेकिन फिर भी फॉर्मेट कोशिश करता हूं बनाता हूं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैसे बनाइएगा आप ओपनिंग कैपिटल उसकी कैलकुलेशन सीखते हैं।
ओहो, चलिए पर्टिकुलर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना, क्योंकि लॉकडाउन का भी कुछ नहीं पता कब ओपन हो, बाकी आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले आपने लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। इनफैक्ट आपने ये कॉन्सेप्ट ना सिंगल एंट्री में भी देखा था, क्लोजिंग कैपिटल लिखा है यहाँ पे। कहाँ से लिखेंगे, क्वेश्चन कहेगा। अब समस्या ये हाँ आता है यहाँ पे कि सर हमें कैसे पता चले ओपनिंग क्लोजिंग है। अगर कैपिटल के आगे डेट दे साल का एंड 31/3/2020 जो भी साल का एंड है तो भाई क्लोजिंग है। अगर कैपिटल के आगे 1/4 दे तो ओपनिंग है। इसमें कुछ चीजों को हम प्लस कर देंगे और कुछ चीजों को माइनस करेंगे। प्लस क्या करना है, प्लस करना है आपको इसमें ड्रॉइंग, माइनस क्या करना है प्रॉफिट। लेकिन अगर लॉस आया तो उसको भी प्लस कर देंगे। और इस तरीके से हमारा वो कैपिटल फाइंड हो जाएगा जिस कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट निकालना चाहिए, ये निकल के आएगा ओपनिंग कैपिटल। ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब आपका ड्राइंग का डेट ना गिवन हो, कब निकाला है, तब ये आप अप्लाई कर सकते हो, या एडिशनल कैपिटल ना हो तब ये आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको टाइम लाइन पे लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ओपनिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो सिंपल समझते हैं, क्लोजिंग कैपिटल था, चलो यहां से समझते हैं हम। ये देखें, ये देखो आपके पास स्टार्टिंग में 10 रुपए था, आपने फिर यहां पे 5 रुपए लगा दिए, लगा दिया आपने, है ना, और यहां 2 रुपए निकाल लिए, निकाल लिए, ऐसे ही लिखना है आपने, निकाल लिया। और यहां पे आपके पास 13 रुपए है। एग्जामिनर, मैंने डेट कोई मेंशन नहीं किया, आपको सीधा मैंने बोला मेरा कैपिटल 13 रुपए है, तो ये तो ओपनिंग है ना, तो ये क्या हुआ हमारा क्लोजिंग। अब आपको पता है कि सर यहाँ पे हमारा 13 रुपए है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लोजिंग 13 रुपए। क्यों 13 लिखूंगा, 13 में 2 रुपए क्या करूंगा, मैं वापस ऐड करूंगा, क्योंकि हमें इधर से जाना है। क्योंकि आपका 13 पता है कैसे है, 10 में 5 जोड़ा और 2 निकाला तो माइनस किया तो बचा 13। तो जब हम उल्टा आते हैं ना, तो जो चीजें हमने माइनस किया है ना उसको प्लस करते हैं, और जो चीज प्लस करते हैं उसको माइनस करते हैं। तो देखो 13 रुपए ड्रॉइंग आपने माइनस किया, प्लस कर दो 2, 15 हो गए। बीच में और लगाए थे कैपिटल, तो ये थोड़ी सी समस्या है, हम इसको लगाए की जगह पे ठीक है रहने दो। लगाया था 5 रुपए बीच में, तो बीच में 5 लगाया था, 5 घटा दो भाई, यानी यहां पे मैं एक और लाइन लिख दूं क्या, लेस एडिशनल कैपिटल। तो लगाए थे 5 तो बचे कितने 10, तो देखो स्टार्टिंग में 10 आ गया है ना। तो आप बिल्कुल सिंपल से सोचो, और मे भी कुछ बच्चों को इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। आप सोचना है कि आपका लास्ट में कैपिटल ये था और उसको हम पहले किस तरीके से बनाएंगे, बस सिंपल सोचना है आपको कितने टाइम। और सबसे आसान तरीका होता है टाइम लाइन, मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा टाइम लाइन के अकॉर्डिंग करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अलग से कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, वो मिक्स करके ही आएगा, ठीक है ना। तो एक बार इसको फटाफट आप फॉर्मेट को नोट करिए, फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने दिए थे मैंने 16 से असाइनमेंट में दिए थे मैंने क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं करूंगा। आप सभी के पास असाइनमेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ करूंगा, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट से नोट करिए इसको एक बार। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, ओपनिंग कैपिटल बता दिया मैंने। चलिए एक बार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 में सारे ही क्वेश्चन कर देता हूँ, चिंता मत करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है आपका, देखो विजुअल है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस है 3:2,
गिविंग कैपिटल अकाउंट ऑफ 50,000 एंड 40,000 फर्स्ट अप्रैल। तो देखो ये ओपनिंग कैपिटल है, 1 जुलाई को इसने इंट्रोड्यूस कर दिया 10,000 एज एडिशनल कैपिटल और वर 6 इंट्रोड्यूस ओनली 1,000। और ये ना 6 नहीं है, बी है, बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000 रुपीज। इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 31 मार्च का निकालना है, ठीक है? तो क्वेश्चन तो देख लिया, बाकी आपके पास असाइनमेंट में है, तो मैं टाइमलाइन पे ए के लिए अलग टाइमलाइन बनाऊंगा मैं, ठीक है? बड़ा ही आसान है, ए के लिए अलग। आप भी आराम से करो, एक पेज पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो ए के लिए बनाया मैंने, और ये बनाया मैंने बी के लिए। हाँ, मैंने फिक्स और फ्लेक्चुएट कैपिटल भी बताया था, उसको भी अगर समझ में अभी नहीं आता तो अभी इग्नोर करना है आपने, क्योंकि वो दोबारा भी सीखेंगे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक के लेवल पे, वो आगे एडवांस में आएगा। अभी तो बस सिर्फ हिंट था कि हमारा फिक्स और फ्लेक्चुएट कैपिटल क्या होता है। चलिए ए और बी के लिए, तो ए का इस डेट पे कैपिटल यानी 1/4 मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2015, इस डेट पे कैपिटल 50,000 है, और बी का भी 1/4 2015 को इस डेट पे कैपिटल कितने हैं हमारे, 50,000 है, ठीक है ना? आप डाउट से ऐसे नहीं समझे इसको, सॉरी 40,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 गिवन है, ठीक है? ये दोनों अपने प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे। तो एक मजे की मैं बात बताऊं तो प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होता, हम वो बाद में देखेंगे कब करेंगे। ए ने इंट्रोड्यूस करा एज एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई कहीं बीच में आएगा ना हमारा, या यहां आता है 1 जुलाई, मान लो 1 जुलाई को इसने इंट्रोड्यूस किया, तो बड़ा ही सिंपल मैनर से निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 जुलाई को, 1 जुलाई 1/7 2015, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को कैपिटल लगाया इसने 10,000 रुपए। ये एक ही बात करता है, इसके बाद कहता है एज हिज एडिशनल कैपिटल वेयर बी इंट्रोड्यूस ओनली, ये ना 6 लिखा है क्वेश्चन में बाय मिस्टेक से, उसे बी कर देना, बी इंट्रोड्यूस, मैं भी कर दूंगा, बी इंट्रोड्यूस ओनली 1,000 रुपीज। चलो ठीक है भाई, लेकिन बी ने इस डेट पे क्या करा, 1/7 2015 में इंट्रोड्यूस किया सिर्फ 1,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारा, 10% के हिसाब से मिलना है। क्वेश्चन नंबर आपके असाइनमेंट का ही है ये, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर, चलो 16 असाइनमेंट जो बच्चा देख रहा है अभी। अब इसका अलग मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा, इसका अलग निकालूंगा, लास्ट डेट क्या होगा बताओ, 31/3/2016, 31/3/2016। अब हमें एक 50,000 पे निकालना है, पॉइंट नंबर वन। एक तो हमें 50,000 रुपीज पे निकालना है, तो इनटू में 10/100 तो कर देंगे, और पॉइंट नंबर टू निकालना है हमें 10,000 पे, इस पे भी कर दिया 10/100। लेकिन आप देखो कौन सा पैसा कितने दिन इस्तेमाल हुआ है, तो ये 1 अप्रैल को लगाया है, तो पूरे साल ही इस्तेमाल हुआ है ये पैसा, तो इस पे 12 मंथ डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए। और ये वाला जुलाई को लगाया है, तो देखो काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ, तो इस पे 9/12, बड़ा ही आसान है। देखो सेम ऐसे इस पे बताइए कैसे करेंगे, बताइए आप, 40,000 कितने टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है, पूरे साल ना, तो 10% दे रखा है, तो 10/100 इंटू में 12/12, और सेकेंड वाले के लिए देखे तो 1,000 है, कितने महीने के लिए, इंटू में 10/100 इंटू में 9/12। इन दोनों को सॉल्यूशन को निकालिए और आपका आंसर आ गया। ये बेसिकली P&L अप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो वहां इस टाइप से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को कहा जा सकता है नहीं क्वेश्चन, लेकिन कहा जा सकता है। मैं निकाल लेता हूँ, अच्छा ये 50,000 है, ठीक है, 50,000 10%, इसका जवाब है 5,000, 10,000 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 9, इसका जवाब है 750, तो ये आ गया 5,750, ठीक है। 40,000 10%, ये आ गया हमारा 4,000, और 1,000
10% डिवाइडेड बाय 12 इनटू में 9, ये 75 आ गया, तो 4075। तो अगर आप चेक करते हैं इसमें तो आपका आंसर भी मैच हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 कर दिया, ऐसे मैं सारे क्वेश्चन करूंगा जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थे, तो इसको नोट करिए, टेंशन नोट मतलब टाइम लाइन लेके करो आप, बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। तो इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी नोट करिए इसको। हाँ जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, लेकिन 20 को करने से पहले ना मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, सबसे पहले कुछ बातें बता दूं, इस बातें को ध्यान रखना है और इसको साथ के साथ लिखना है। वैसे मैंने पहले इससे पहले वाली क्लास में बताने की कोशिश करी, तो हो सकता है मे भी कुछ डाउट रह गया हो, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, सिंपल सिंपल सा जवाब दीजिए। बैलेंस शीट आप सभी को पता है, 11th क्लास में बनाया आपने, ये मैं आपके सामने एक मिनी बैलेंस शीट बनाता हूँ जिसके अंदर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, और कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद 11th क्लास में आपने देखी ना हो, जैसे कि यहाँ पे लाइबिलिटी होता है आप सब जानते हो, यहाँ पे एसेट होता है आपका, और ये बैलेंस शीट है, ठीक है ना। अब कैपिटल, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैपिटल कहाँ आएगा, तो आपका जवाब आएगा सर लाइबिलिटी में आएगा कैपिटल, बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया। और अगर मैं ड्राइंग पूछूं तो आपका जवाब होगा सर ड्राइंग यहां से माइनस हो जाएगा, ये भी आपका एकदम 100% ठीक जवाब है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको कि आप ड्राइंग यहां से माइनस तो कर सकते हो, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है, आप यहां से माइनस नहीं करते तो आप ड्राइंग यहां दिखा सकते हो। मान लेते हैं कि 1000 रुपए का, ये भी कर सकते हो आप। हमारा कैपिटल था मान लेते हैं 20,000, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ड्राइंग यहां से माइनस करके यहां दिखाइए, तो ड्राइंग जब आप यहां से माइनस करके दिखाने वाला मेथड लोगे तो यहां पे आपका आएगा 19,000, है कि नहीं, 19,000 आएगा, है ना। और अगर आप यहां ड्राइंग माइनस नहीं करते, आप उसे एसेट साइड ले जाते हो, तो आपका कैपिटल स्टिल कितना रहने वाला है, 20,000। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर ड्राइंग को एसेट साइड में लिखते हैं तो क्या कैपिटल में से ड्राइंग एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ। आंसर इज सर कैपिटल में से ड्राइंग एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो माइनस हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर ड्राइंग को हम यहीं पे लिख दें तो क्या एडजस्ट हुआ है, तो बिल्कुल एडजस्ट हो चुका है। सेम ऐसे आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए बताइए, 11th क्लास में पढ़ा है सर प्रॉफिट, इसमें क्या करते हैं प्लस कर देते हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट को क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, मान लेते हैं 5,000, देन हमारा कैपिटल क्या आएगा 25,000, है ना। क्या आप बताइए ड्राइंग माइनस हुआ है, नहीं, क्योंकि अलग है 25,000। दूसरा एक और तरीका भी कर सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, हो सकता है कि मैं प्रॉफिट को अलग से दिखा दूं, मैं जोड़ू ही ना उसमें, प्रॉफिट 5,000, तो अब मुझे कैपिटल 25 दिखाना चाहिए कि, जवाब है नहीं, अब हमें कैपिटल दिखाना चाहिए 20,000। आराम से देखना वीडियो को, तसल्ली से समझ में आ जाएगा, अब प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, ठीक है। यानी सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको अलग से प्रॉफिट दिखता है लाइबिलिटी में, मींस कैपिटल में एडेड नहीं है, और ड्राइंग अगर एसेट साइड में दिखता है तो कैपिटल में एड नहीं है। मैं लिख भी देता हूं, ये प्रॉफिट नॉट एड, नॉट एड, एड कर सकते हो बट अभी तो ये सिचुएशन है ना, नॉट एडेड, नॉट एड इन कैपिटल, और ये वाला जो ड्राइंग है ये ऐड है क्या कैपिटल में, माइनस, नॉट एडजस्ट, नॉट एडजस्ट, ठीक है ना, ये एडजस्ट नहीं हुआ। अब मैं आपसे पूछूं बताओ कैपिटल ओपनिंग क्या है, तो आपका जवाब होगा सर जब इस 20,000 में कोई चीज ऐड लेस ही नहीं करा तो हमारा कैपिटल यही है, और यही कैपिटल 20,000 रुपए पे आप इंटरेस्ट लगा दो, है ना, यही रहेगा। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं, कई बार क्वेश्चन में जब बैलेंस शीट देगा और आपको वहां पे ड्राइंग और प्रॉफिट देता है तो आपको थोड़ा समझदारी से काम लेना है, आप ये भी चेक करो कि ड्राइंग और कैपिटल उसमें एडिड है या नहीं है। अगर उसमें ड्राइंग और कैपिटल एडिड है तो आप माइनस प्लस करके ओपनिंग कैपिटल बनाओगे, अदरवाइज आपको नहीं बनाना, ठीक है।
अब लेट सपोज करो कि मैं आपको इस तरीके से दूं, ये समझ में आया ना? सपोज करो मैं आपको पहले जैसे 11th में करते थे वही करके दे दूं, मैं हटा दिया मैंने यहां से, ठीक है सारा कुछ, मैं यहां पे प्लस कर दूं नेट प्रॉफिट जैसे 5,000, और मैं माइनस कर दूं यहां पे मैं ड्राइंग 1,000, ठीक है, और मैंने आपको यहां कैपिटल दे दिया 25,24,000 रुपए। बताइए अब बताओ ये क्या ओपनिंग कैपिटल है? क्या इस कैपिटल में कुछ चीजें माइनस प्लस नहीं हुई है? तो नहीं, इसमें सब कुछ माइनस प्लस हो गया, तो दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, इसको बोलेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे लेना चाहिए, हमेशा ओपनिंग पे, तो आप ओपनिंग कैपिटल कैसे बनाओगे? सर 20,000 में आपने क्या किया है, ये प्लस किया है तो माइनस कर देंगे, याद करो फॉर्मेट में भी ऐसे, ये माइनस किया है तो इसको प्लस कर देंगे, सॉरी 25 में, 24 में, 24 से स्टार्ट करेंगे ना हम 24,000 में, तो रिजल्ट इज आपको 20,000 मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपको ड्राइंग अलग से दे बैलेंस शीट में तो कैपिटल में एडिट नहीं है, उसका एडजस्टमेंट नहीं करना, प्रॉफिट या लॉस अलग से दे तो कैपिटल में एडिट नहीं है, उसका एडजस्टमेंट नहीं करना। लेकिन हाँ मैं आपको अगर इसमें एड लेस करके दे दूं, तो ये कुछ बच्चे बोलेंगे सर डायरेक्ट यही ले लो ना, क्यों माइनस प्लस कर रहे हो? अच्छा चलो अब मैं एक काम करता हूं और आप मुझे जवाब देना, मैंने इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, इसे भी हटा दिया, और यहां कैपिटल लिख दिया 24,000, बताओ अब क्या करोगे? क्या कहीं आपको ड्राइंग और कैपिटल पता, प्रॉफिट पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, मैं नीचे लिख देता हूं पॉइंट नंबर 1, ड्राइंग ड्राइंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ईयर इज 1,000, नंबर 2 प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर ईयर 5,000। अब नीचे लिख दिया, नीचे लिखने का मतलब है कि जो आपको ऊपर कैपिटल है वो कैपिटल तो दे रखा है, लेकिन ये सारी चीजें अलग अलग से कहीं दिख रहा है आपको? ये चीजें अलग से दिख रही है क्या कहीं भी? नहीं दिख रही, तो इसका मतलब इसमें एडजस्ट हो गया है, ठीक है। सेम मैं अलग से लिख देता इसको 1,000 रुपए, और यहां नेट प्रॉफिट में अलग से लिख देता 5,000 रुपए। तो भाई तुमने बताया क्या, हमें पहले से ही पता था कि भाई प्रॉफिट ये है और ये है, तो कुछ नहीं करना था हमने, ठीक है ना? तो उस अगर यहाँ पे, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ पे अलग अलग नहीं दिखा रखा तो मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल है, लेकिन अगर यहाँ पे अलग अलग दिखा दूं, जैसे मैं यहाँ 5,000 रुपए अलग दिखा देता हूँ नेट प्रॉफिट, और ड्रॉइंग अलग दिखा देता हूँ, तो इसमें प्रॉफिट में ये वाला एडिड नहीं है, तभी तो अलग से दिखाया है, ड्राइंग माइनस नहीं है तभी तो अलग दिखाया है, तो अब ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बैलेंस शीट में जब अलग अलग इंफॉर्मेशन हो तो भाई ऐड ही नहीं हुआ, जब भी तो अलग है। अगर बैलेंस शीट में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है ड्राइंग और प्रॉफिट से लेके, और नीचे एडजस्टमेंट में कहता है, तो उसके अंदर क्या है, वो एडिड है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसी पे हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आप इसको नोट करिए, और यही चीज मैं लास्ट क्लास में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन है तो कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी, चलिए थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ना, यहां से दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, विजुअल है। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, वाई ईयर एंडेड एंड वाई ईयर एंडेड। आपको एक्स का कैपिटल देखो और वाई का कैपिटल, प्रॉफिट अलग से दे रखा है, तो बताओ ये प्रॉफिट क्या इन दोनों में से किसी में एडिट होगा? आंसर इज नो सर, इन दोनों में एडिट नहीं होगा, और एसेट दे रखा है, लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन में कहता है कि ड्रॉइंग कितना है हमारा 15,000। अब बताइए मुझे ड्राइंग यहां कहीं अलग से है क्या? नहीं है, मतलब इन कैपिटल में है वाई का ड्राइंग, और प्रॉफिट दे रखा है 30। अब मुझे बताइए अगर प्रॉफिट टोटल 30 था और यहां अलग से 20 है, तो कितना एडिड है इन दोनों में? सिंपल सा जवाब है सर 10,000 रुपए इसमें एडिड होगा। ये चीज आपको समझने वाली बात है,
और इसको थोड़ा सा आप बिल्कुल दोबारा देखें इस वीडियो को और फिर समझने की कोशिश करें। तो मैंने क्वेश्चन में तो देखो आपको बताया ही अभी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले मैं एक्स के लिए और वाई के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि मैं आपको कैपिटल समझा सकूँ। सबसे पहले एक्स के लिए है ना, और यहाँ वाई के लिए, दोनों के अलग अलग जो बैलेंस शीट में कैपिटल है, कैपिटल लिख देते हैं। एक्स का कैपिटल दे रखा है बैलेंस शीट में 50,000। हमें इंटरेस्ट किस पे निकालना होता है, ओपनिंग पे निकालना होता है। और वाई का दे रखा है 40,000 रुपये, वाई का कैपिटल दे रखा है 40,000 रुपये, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या ड्राइंग इसमें एडजस्ट है? तो अभी आपने क्वेश्चन देखा, ड्राइंग इसमें एडजस्ट है क्योंकि ड्राइंग अलग से नहीं दे रखा, तो ड्राइंग को माइनस करिए या प्लस। हम क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को हमेशा प्लस करते हैं। अब कुछ बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है कि ये ड्राइंग सर, ये क्लोजिंग कैपिटल, मैंने बोला आपको कि जब कभी कोई इंफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना फिर मैं एक बार दिखा देता हूं। मैंने आपको बताया कि जब कभी भी, दिख रहा है कि जब कभी भी ड्राइंग वगैरह अलग से गिवन हो तो इस कैपिटल में एड लेस नहीं करना, क्योंकि तभी ये अलग से गिवन होगा। लेकिन अगर ड्राइंग अलग से नीचे है तो इसका मतलब ड्राइंग जरूर है, तो भाई ड्राइंग है तो यहां तो नहीं दिख रहा, तो कहाँ गया होगा? कैपिटल में एड या लेस हो गया होगा, जो भी होगा। इसका मतलब इस कैपिटल के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट निकालने के लिए। सेम, अगर प्रॉफिट यहां दे तो प्रॉफिट इसमें ऐड या लॉस दे तो लेस नहीं है, लेकिन अलग से प्रॉफिट दे आपको नीचे और यहां दिखे ही ना, तो इसका मतलब ऐड या लेस है। ध्यान से सुनना इस बात को। तो अब सिंपल से लॉजिक है कि ड्राइंग भाई इसमें अंदर नहीं दे रखा, बाहर, तो इसका मतलब पहले से लेस हो गया होगा, तो ऐड कर दो। एक्स वाई के हिस्से का 15,000 है, तो वाई यहां पे है, तो देखो एग्जामिनर ने अलग अलग टाइप से दे दिया, पहले वाई का दे दिया, बस वाई का ही ड्राइंग है जी, और प्रॉफिट कहता है 30,000 है। तो अंदर बैलेंस शीट के देखेंगे असाइनमेंट में आप, तो अंदर बैलेंस शीट में कितना दे रखा है आपको? अंदर बैलेंस शीट में दे रखा है 20, और टोटल प्रॉफिट 30 है। तो बट ऑब्वियस है कि 10,000 रुपए का हिस्सा ही सिर्फ इसमें एडिड होगा, और 10,000 रुपए की अगर मैं हिस्से की बात करूं, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? ऊपर आपको दे रखा है, अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कहीं भी नहीं दिया। तो भाई सिंपल है कि प्रॉफिट इसमें माइनस करो, प्रॉफिट जितना हिस्सा जुड़ा हुआ है, 20 तो अलग से ही है तो वो तो नहीं जुड़ा ना, तो कितना हिस्सा जुड़ा हुआ है खुद सोचो। अगर 20 अलग से दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, वो हिस्सा तो जुड़ा ही नहीं कैपिटल में, तभी तो अलग से है। नीचे बोलते हैं टोटल 30 था, तो टोटल अगर 30 है और 20 हमारा नहीं जुड़ा हुआ, तो कितना जुड़ा हुआ है? 10,000 रुपए कहाँ गए? जुड़ चुके होंगे कैपिटल में, ये मान लेते हैं। तो 5,000 रुपये बढ़ जाएगा ना, जब PSR नहीं दे रखा है, 1:1 में 5,000 रुपये। अच्छा, ये ड्राइंग मैंने यहाँ पे प्लस करना है, मैंने माइनस कर दिया, ओपनिंग कैपिटल निकालने का रूल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रॉफिट बट गया। अब इसको देखते हैं, ये माइनस करना है हमने, ठीक है, दोनों का। इसका कैपिटल आ जाएगा 45,000, क्योंकि डेट नहीं है, डेट नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, डेट होगा तो डेट वाले क्वेश्चन देखेंगे हम। 40 और 55 और 5, 50,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 पे कितने परसेंट है, और यहां पे आएगा 50,000 पे कितने परसेंट है, पूरे साल का निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6/100। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 है, और इस पे भी 6%। तो ये तो लो आ गया 3,000, है ना। और इसमें किसका इंटरेस्ट पूछा था? इसमें पूछा था वाई ईयर एंडेड, सिर्फ वाई के बारे में बताए, लेकिन हम दोनों का ही निकाल देते हैं। वाई का 3,000 हो गया, एक्स का देखते हैं क्या आया। 45,000 पे 6%, 2,700, इसका 2,700, ये लो जी दोनों इंटरेस्ट निकाल लिया। समझ में आया क्वेश्चन आपको? इसी पे हमारा लॉन्ग और शॉर्ट का एक क्वेश्चन है 21, ये भी मैं करके दिखा दूंगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जल्दी से फटाफट नोट करिए, अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और मे बी अगली क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, तो अभी जल्दी जल्दी नोट करिए एक बार आप इसको।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम आपके असाइनमेंट का 21। इसमें कौन है लॉन्ग और शॉर्ट है? क्वेश्चन 21, दो पार्टनर है इसमें, मैं अभी पढ़वा भी दूंगा आपको, लॉन्ग एंड शॉर्ट। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आप दिमाग लगा के बताइएगा क्या करना है, ठीक है? आधा क्वेश्चन पीछे है, मैं दिखा दूंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। देखो लॉन्ग का कैपिटल दे रखा है 160 और एसेट्स, अब पीछे देख लेते हैं क्या है बैलेंस शीट में, और देखो शॉर्ट का कैपिटल भी दे रखा है, यानी लॉन्ग और शॉर्ट का कैपिटल, और ड्रॉइंग सिर्फ लॉन्ग का दे रखा है यहाँ। लॉन्ग और शॉर्ट का कैपिटल दे रखा है, ड्रॉइंग किसका दे रखा है? लॉन्ग का, और अदर एसेट्स और प्रॉफिट भी दे रखा है। कहता है ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग ड्रॉइंग 40,000, तो देखो लॉन्ग का ड्रॉइंग 40,000 है जो कि अलग से दिख रहा है, तो लॉन्ग के कैपिटल में क्या एडजस्टेड हुआ होगा बताइए। लॉन्ग का ड्रॉइंग ना 40,000 रुपये नीचे भी है और ऊपर अलग से ही दिख रहा है आपको लॉन्ग का ड्रॉइंग, तो क्या कैपिटल में एड लेस हुआ होगा? नहीं हुआ होगा लेस, क्योंकि अलग से दिखा रखा है बैलेंस शीट में। शॉर्ट का ड्रॉइंग 50,000 है, और ध्यान से देखे तो शॉर्ट का कहीं ड्रॉइंग है ही नहीं बैलेंस शीट में, तो इसका मतलब शॉर्ट वाले का उसके कैपिटल में एडजस्ट हो चुका होगा। प्रॉफिट 150 है, और जबकि प्रॉफिट वहां पे कितना है 1 लाख, तो 1 लाख प्रॉफिट अगर अंदर है और बाहर बता रहा है 150, तो इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 रुपए ही प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हुआ होगा। ठीक है, समझ में आए? तो इसी क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये भी। तो मैं सबसे पहले इनका कैपिटल लिख लूं, कैपिटल, ठीक है, बिल्कुल आसान कैपिटल। आपका लॉन्ग का 160, लॉन्ग का 160, चलें भाई शॉर्ट पे 140। और लॉन्ग का ड्राइंग तो अलग से दे रखा है, कुछ काम नहीं होगा। शॉर्ट का ड्राइंग ऊपर नहीं था 50,000, तो हमें शॉर्ट के ड्राइंग पे चलना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ड्राइंग। तो लॉन्ग वाले में क्यों नहीं किया? क्योंकि अलग से बैलेंस शीट में है और उसको एडिट नहीं किया। शॉर्ट वाले में मैं एडिट कर देता हूं 50,000, क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं दिखा रखा, मतलब कैपिटल में एडजस्ट हो चुका है। हाँ जी, प्रॉफिट 1,50 और 40, यानी प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कितने का होना चाहिए सर? प्रॉफिट 50,000 ही है जो एडिट है। क्या रेशियो दे रखा है इसमें? रेशियो इसमें नहीं दे रखा, तो बड़ा ही आसान बन गया क्वेश्चन, यानी 25,000 लॉन्ग के अंदर एडिट होगा और 25,000 शॉर्ट में। तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, सॉरी लेस करेंगे ना प्रॉफिट, तो लॉस ऐड करेंगे, है ना? तो प्रॉफिट प्रॉफिट 25,000 रुपये यहां पे लेस हो जाएगा और 25,000 रुपये यहां पे लेस हो जाएगा। बताओ क्या समस्या है? बहुत आसान तो है ये टॉपिक। तो अब देखा जाए तो 160 माइनस 25,000, 1,35,000 इसकी कैपिटल ओपनिंग आ गई है। ये मैं ओपनिंग कैपिटल फॉर्मेट से ऐसे बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, ओपनिंग। और 1,40 प्लस में 50 माइनस में 25, 1,65 इसकी आ गई। अब दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं, ठीक है, इसको हटा दूं मैं, 50,000 पता चला ना। देखो 1 लाख बैलेंस शीट में था और नीचे 1.5 लाख कहता है आपको, तो 1 लाख तो कहीं ऐड ही नहीं हुआ किसी कैपिटल में, और टोटल 1.5 था, तो इसका मतलब कितना ऐड हो गया? 50,000। उसी की कैलकुलेशन यहां करके दिखाई है मैंने। चलिए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 13,50,000 मल्टीप्लाई बाय, रेट क्या था बताओ? 8% था आई थिंक, है ना? 1,35,000 पे रेट दे रखा है 8%, 8/100, बड़ा ही सिंपल। और यहां पे 1,65 इंटू में 8/100 करके दिखाता हूं, चलो 1,35,000 8%, तो ये आ गया 10,800, 1,65 प्लस 8%, ये आ गया 13,500। बताओ कोई समस्या?
दोनों का निकाल लिया, ये 10,800, ये 13,500। आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं आप। आपके इस नोट्स में ना कहीं मिसप्रिंट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन देखिए आंसर भी आपका यहाँ पे हर क्वेश्चन में मैंने कोशिश किया कि डाल दूँ। तो मेरे हिसाब से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डाउट कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो क्वेरी में डालिए, नहीं तो वीडियो तो मैंने सब पे बना ही दिया है। आगे हम एक कॉन्सेप्ट, मैंने क्वेश्चन नंबर छुड़वा दिया था, क्वेश्चन नंबर शायद मेरे ख्याल 17 है 18 है, एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 17 छुड़वाया था, तो उसके ऊपर मैं अलग से क्लास लूंगा, अभी करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं अलग से लेके चलूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब डीड नहीं हो, डीड गिवन हो तो कैसे करना है। अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मुझे आप फिलहाल P&L अप्रोप्रिएशन का अगली क्लास में उसके डाउट ले लूंगा और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराऊंगा, क्योंकि वहां से भी थोड़ा बहुत लिंक होगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप सभी घर पे रहें और अच्छे से वीडियो को वॉच करके असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन प्रॉपर करें, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।